अभी हम चलते हैं फाइनली मंदिर, ये भाई का करवाएंगे, करेगा भाई शादी। देखिए गौर से देखिए कितना सारा बंदर है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग में दिखाने वाला है जय मंगला माँ का मंदिर दिखाना है। ये मेन गेट देख लीजिए, यहाँ से ऊपर पे देख श्री श्री 108 लिखा हुआ है, माता जय मंगला का द्वार लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। लेकिन वहाँ पे मधुमक्खी की छत्ता के वजह से नहीं दिखा रहा पूरा बढ़िया से। वहाँ देखिए, यहाँ देखिए जाने के रास्ता के लिए एरो दिया हुआ है, जय माँ मंगला गढ़ मंदिर जाने का रास्ता, आराम से यहाँ से सामने जा सकते हैं। और ये रास्ता हो गया यहाँ से करीब करीब 1 से 2 किलोमीटर होगा। तो चलते हैं आगे, अब आपको पूरा दिखाएंगे, आज बहुत बेहतरीन रहेगा, बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए यहाँ से चलते हैं। तो अब पिछला वीडियो मेरा कावर झील वाला वीडियो देखे होंगे, तो ये अभी दिखाने वाले हैं जय मंगला मंदिर जो कावर झील के ही पास है, देख सकते हैं। और नहीं देखा होगा कावर झील वाला वीडियो तो ये आई बटन पे लिंक पे दिख रहा होगा यहाँ पे कोना में, आप वहाँ जाके क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए ये गेट आपको दिख रहा है ना, ये मंगला जय माँ मंगला का जो द्वार है इसके अंदर चलते हैं, आपको पूरा मंदिर का भी टूर करवाने वाला है। फाइनली पहुँच गए हैं, जो देखिए मंगला दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए एकदम क्यूट सा एक बंदर दिख रहा है आपको, ऊपर में पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ नहीं दिख रहा था आपको, बैक कैमरा से भी दिखाने वाला है, क्यूट सा एक बंदर दिख रहा है बहुत प्यारा सा। चलते हैं मंदिर का पूरा नज़ारा भी दिखाने वाले हैं। तो फाइनली देखिए हम पहुंच गए हैं माँ जय मंगला मंदिर। देखिए आपको जो दिख रहा है ना, ये पार्किंग है, पार्किंग देख सकते हैं। और पार्किंग के बाद यहाँ पे बहुत सारा विशाल पेड़ दिख रहा है आपको, बड़का पेड़ है। और इसके नीचे बहुत सारे सामान बेच रहे हैं लोग, जैसे कि खिलौना वगैरह और भी मूर्तियाँ हैं, सब देख सकते हैं मेले की मेला की तरह यहाँ से। और अभी मंदिर हम आपको ले चलेंगे, यहाँ पे एक एक मंदिर आपको दिखाएंगे टूर करके, और एक एक मंदिर की हिस्ट्री जो है ना ऐतिहासिक, वो भी हम फिलहाल अभी बताने वाले हैं। ये देखिए श्री हरि ओम का जी का मंदिर हो गया, पहला मंदिर ये दिखा रहा है। और इधर इतना सा स्पेस है रहने के लिए, व्यवस्था की जगह है, जंगल बहुत सारा है, झाड़ी वाड़ी है, बंदर इधर बहुत सारा है। तो अभी हम बंदर दिखाएंगे, उसके पहले अभी हम मंदिर दिखाते हैं। देखिए ये देखिए बजरंग बली का यहाँ पे मूर्ति है, बहुत बड़ा देख सकते हैं, पर्वत उठाए वो वाला मूर्ति आपको है। और यहाँ पे देखिए एक कुआँ भी है जिसमें जाली लगा हुआ है जय माँ मंगला के पास, ये पक्का बहुत गर्म है देखिए कुआँ, इसमें तो फिलहाल अभी जाली लगा हुआ है, पानी है अभी इसमें, लेकिन जाली है बट पानी इसमें है। यहाँ पे ये देखिए ये यहाँ यज्ञ मंडप है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे जब उत्सव होता है महाउत्सव जनवरी के आसपास में, यहाँ एक महाउत्सव होता है तो ये यहाँ पे यज्ञ होता है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये मंगला गौरी का मंदिर है। यहाँ आपको पता है एक चीज़ बताने वाला नहीं बताया आपको, कि यहाँ जो पहला महाउत्सव हुआ था ना, तो यहाँ पहला महाउत्सव में आए थे हमारे रामनाथ सिंह गोविंद जो भी का राष्ट्रपति है, वो पहला महाउत्सव में ये मंदिर आए थे जय माँ मंगला का। ये आपको जंगल में भी बंदर दिखेगा माँ मंगला गौरी के पास, इतना बगल में जो है ना ये झाड़ियाँ, इसमें एक तो बहुत सारे बंदर हैं वो अभी हम दिखाने वाले हैं। चलिए यहाँ देखिए गौर से देखिए कितना सारा बंदर है, दो बैठा हुआ बकरी है उसके बगल में बैठा हुआ, कैमरा वैमरा भी छीन लेता अगर आगे गए तो, पता चला बंदर बहुत तेज होता है भाई, कैमरा भी लेके चल जाता है पेड़ पे, छीन लेगा इस फरी, शांति से बेचारा फरी खा रहा और दांत निकाल रहा, ऊपर तो नहीं है ना, और ये घूर के हम लोग को देख ही रहा है। और एक ठो लटका हुआ वहाँ पेड़ पे, देखिए बहुत सारा बंदर है। यही मंदिर है माँ जय मंगला का मंदिर जो कावर झील के पास स्थित है। अभी हम पूरा मंदिर का टूर करवाने वाले हैं, पूरे दिखाने वाले घुमा के पूरा मंदिर। और ये पीछे हो गया बाहर, तो बाहर से पहले पूरा मंदिर अभी दिखाते हैं। ये देखिए ये हो गया आपका फ्रंट व्यू माँ मंगला गौरी का मंदिर का। यहाँ से पास में ये है गढ़पुरा है, नमक संग्रह जिसे बोलते हैं, वहाँ के हमारे एक स्वतंत्र सेनानी थे जिनका नाम है श्री कृष्णा सिंह, जो हमारे बिहार के ना पहले मुख्यमंत्री थे, जो कि यहीं के थे, आसपास के ही थे। जय माँ मंगला के प्रवेश द्वार हो गया, देखिए यहाँ पे बहुत सारी घंटियाँ भी लगे हुए, यहाँ पे सब घंटे बजा के गुड लक के अंदर जाते हैं। फिलहाल हम भी यही करने वाले हैं। देखिए एंट्री कर लिए, ये हो गया यहाँ पे आपको कुछ निर्देशक लगा हुआ अंदर माँ मंगला गौरी का जो मंदिर है। ये देखिए जय मंगला माँ का मंदिर का अंदर ये देख सकते हैं मूर्तियाँ, बहुत सारे प्रसाद भी चढ़ा हुआ,
और अंदर का वीडियो लेना मना है, तो अभी हम नहीं लेने वाले हैं। यहाँ पे देखिए अंदर मंदिर में भीतर सेल्फी लेना मना है। अब बरांडा देख सकते हो इस तरह से, बहुत बेहतरीन सुंदर दिख रही है मंदिर। यहाँ पे अभी हाल फिलहाल शादी हो रहा था, यहाँ पे शादी भी होता है। और यहाँ सब बाबा बैठे हुए हैं, यहाँ पे देख लीजिए सब बाबा यहाँ पे टोटल बैठे हुए हैं। ये और यहाँ पे होती है शादी विवाह, जो भी हम करवाएंगे अपना भाई का, कभी भी शादी होगा तो यहाँ पे करवाएंगे, यहीं पे शादी विवाह होता है। ये भाई का करवाएंगे, करेगा भाई शादी, इसके लिए हम देखेंगे खूबसूरत हो, बेहतरीन भी हो, इसी के जैसा उसका शादी यहाँ पे करवाएंगे, जय माँ मंगला के पास असम्मिलित तो बहुत सारे। यहाँ हवन है, हवन होती है यहाँ पे। यहाँ भी स्तंभ है एक ठो, पीपल की बहुत बड़ी पेड़ है, देख लीजिए बहुत विशाल पेड़ है। और यहाँ पे 1 जनवरी में बहुत भीड़ लगती है, और 1 जनवरी के हजारों लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए मेला। ये बर के पेड़ के पास बहुत मेला लगता है। अभी तो फिलहाल मेला नहीं है, बहुत कम मेला है, तो इस ब्लॉग में कुछ कमी लग रहा होगा जो हम नहीं बता पाएंगे, तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये चीज़ आप मिस कर दी, अगर ये आप लोकल को यहाँ का है, अगर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो ये कमेंट कर सकते हैं। मेला लगा हुआ है बर के नीचे, पेड़ के नीचे पे यहाँ पे लगा हुआ है। अभी बैठने के लिए लोग आते हैं, शादी विवाह होता है यहाँ पे, तो लोग यहाँ पे बैठते भी हैं। मतलब यहाँ की सुविधा बहुत बेहतरीन है, स्पेस यहाँ बहुत है, मौसम इधर की बहुत बेहतरीन बेहतरीन मौसम लग रही है, बहुत बेहतरीन है। और मंदिर भी यहाँ का खूबसूरत लग रहा है, माँ जय मंगला की मिष्ठान भंडार के नाम से यहाँ मिष्ठान भी है। ये हो गई आपकी मंदिर पीछे से, पीछे व्यू से देख सकते हैं। ठंडा के दिन में यहाँ पे बहुत भीड़ लगती है जय माँ मंगला के पास। यहाँ पे बजरंगबली का एक गड़ा हुआ ध्वजा, जय माँ मंगला के मंदिर के बगल में ये भगवान शिव का मूर्ति है। ये छोटा सा मंदिर देख लीजिए आप, यहाँ से दिखा सकते हैं आपको, ये मंदिर हो गया। यहाँ भी पूजा होती है, और यहाँ स्पेस बहुत है, यहाँ जंगल की तरह पेड़ बहुत है। यहाँ भी है ना मिठाई का चीज़, देखिए सामने यहाँ पे सब मिल रहा है, कल भी है, और यहाँ स्पेस बहुत है। और यहाँ पे देखिए महिला के लिए स्नान गृह भी, मतलब रूम बना हुआ बढ़िया, नहाने के लिए व्यवस्था है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं कपड़ा वपड़ा चेंज करने के लिए। ये आपको कल हो गया, पूरा है, बहुत बेहतरीन सुविधा यहाँ की है। मंदिर का यहाँ सब व्यू देख लीजिए। फाइनली जय माँ मंगला का मंदिर हम पूरा दिखा दिए, ये मंदिर है, इसका पूरा इतिहास पूरा हिस्ट्री जो भी था बता दिए, जो भी जितना जानते थे। अगर मुझे कुछ कमी लग रहा होगा कि हम वो चीज़ नहीं बता पाएंगे, तो आप वो कमेंट कर दीजिएगा, तो नहीं तो और हम वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, मुझे और कुछ नया पता चलेगा। तो यहाँ का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो कर देना यार। तो अभी हम और अगर आपको देखना है कांवर झील का पूरा, तो ऊपर आई बटन पे बताए थे स्टार्टिंग में, तो आई बटन पे जाके देख लेना। तो आज का ब्लॉग ना हम यहीं पे समाप्त करते हैं, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ और अच्छा लगे, कुछ बढ़िया लगे। तो यहाँ के लिए बाय बाय।